हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करेंगे बाजार के नेक्स्ट 5 दिन कैसे रहेंगे तथा इन 5 दिनों में क्या कुछ घटने वाला है, और जो घटेगा उसका उससे बाजार में तेजी बनी रहेगी या बिकवाली हावी होगी। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इस हफ्ते कितने दिन बाजार चलने वाला है और कोई छुट्टी रहेगी या फिर बाजार पूरे 5 दिन चलेगा। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं NSE की वेबसाइट पर और ये देखते हैं। यहाँ देखिए, ये जून में, इससे पहले जून में जो छुट्टी थी 29 जून को बकरीद के दिन, इसके बाद ये सीधे 15 अगस्त को छुट्टी है, अर्थात इस सप्ताह पूरे 5 दिन बाजार चलने वाला है और ये सीधा इसके बाद इस अगले महीने कोई छुट्टी है, तो इसमें 5 दिन पूरा बाजार चलेगा। क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में बाजार में बिकवाली हावी थी और निफ्टी लगभग 160 पॉइंट के आसपास टूटा है। ये दिखा रहा है कि इस समय बिकवाली हावी हो गई थी। अब आगे इस पे क्या असर होगा, आगे क्या इसका रुख होगा, ये हम आगे देखेंगे कि इससे संबंधित कुछ न्यूज जो कि ये बताएगा कि ये निफ्टी आगे कितना बढ़ेगा या घटेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं US मार्केट में, जो चूंकि इससे एक दिन आगे चलता है, तो देखेंगे कि पिछले फ्राइडे को उसमें क्या रिस्पांस रहा है। अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी पिछले ट्रेडिंग सेशन में 187 पॉइंट में गिरावट दर्ज किया गया है, जो ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि कल यानी मंडे को मार्केट में गिरावट संभव है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर है जो कि ये निर्धारित करेंगे कि बाजार गिरेगा या इसमें तेजी बनी रहेगी। ये सिर्फ डाउ जोन्स के आधार पर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि डाउ जोन्स के गिरने पे ये गिरता है, क्योंकि बाजार जो भारतीय बाजार है वो USA के बाजार को फॉलो करता है। कल की अगर सबसे बड़े न्यूज़ की बात करें तो कल की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि ये जो HDFC छुट्टी हो जाएगी निफ्टी से, निफ्टी 50 से HDFC बाहर निकल जाएगा। जब HDFC बाहर निकलेगा तो निफ्टी 50 में माइंडट्री जो शेयर है इसको निफ्टी 50 में शामिल किया जाएगा तथा ये जिससे इसमें निवेश बढ़ने की संभावना रहेगी। तो कल ये भी देखने लायक रहेगा कि इसमें क्या कुछ हलचल होती है। इसके अलावा हम थोड़ा सेंसेक्स के भी देख लेते हैं, जिसमें वो कौन सा शेयर शामिल होने वाला है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, जो कि सेंसेक्स में जो 30 कंपनियों का एक पूरा सेंसेक्स होता है, जबकि निफ्टी 50 50 कंपनियों में उसमें शामिल होती हैं, तो सेंसेक्स में जो है HDFC की जगह JSW स्टील को शामिल किया जाएगा। तो इसको भी देखने लायक ये रहेगा कि इसमें कल क्या हलचल होती है, इसमें बिकवाली आती है या फिर इसमें भी निवेश बढ़ता है और इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। अब हम आगे चलते हैं और उन न्यूज़ को भी देख लेते हैं जो बाज़ार पर कल असर डालेंगे इस हफ्ते, यानी 10 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक ये पूरे बाज़ार पे 5 दिन क्या क्या इफेक्ट डालेंगे और ये पूरे बाज़ार में बिकवाली और तेज़ी को निर्धारित करेंगे। अगर हम पहले न्यूज़ की बात करें तो इसमें देखा गया है कि ये फिजिकल ईयर 2024 के जून तिमाही के नतीजे सोमवार से शुरू हो जाएंगे, जिसमें हालांकि शुरू तो अभी ही हो गए हैं, लेकिन ये इसमें वो छिटपुट कंपनियां, जो छोटी कंपनियां, उनके नतीजे आ रहे थे। बड़ी कंपनियों के नतीजे 12 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, जिसमें सबसे 12 जुलाई की बात करें तो उसमें TCS का रिजल्ट आ रहा है और SCL का रिजल्ट जो है 22 जुलाई को आ रहा है। इसके अलावा 23 जुलाई को विप्रो की नतीजे आ रहे हैं। इसके अलावा इन एवेन्यू सुपरमार्ट, बंधन बैंक, JSW एनर्जी, फेडरल बैंक, एंजल वन, टाटा मेटालिक्स भी इस हफ्ते अपना नतीजे जारी करने जा रहे हैं। अब हम दूसरे न्यूज़ की बात करें तो दूसरे न्यूज़ में महंगाई का आंकड़ा सामने निकल के आएगा। जून में CPI इन्फ्लेशन के आंकड़े 22 जुलाई को आने वाले हैं। जून महीने के जो CPI इन्फ्लेशन रहा है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, महंगाई के जो आंकड़े हैं वो 22 जुलाई को आने वाले हैं। जून में भी मई की तरह महंगाई के आंकड़े आएंगे। मई में खुदरा महंगाई दर जो कि 4.25% रही थी, वहीं थोक महंगाई दर के आंकड़े भी 14 जुलाई को जारी होंगे, अर्थात CPI के आंकड़े 12 जुलाई को आएंगे और थोक मूल्य सूचकांक होगा वो महंगाई के दर वो 14 जुलाई को आएंगे। इसके अलावा हम अगले न्यूज़ की बात करें तो उसमें 12 जुलाई को ही अमेरिका में भी महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, जो 12 जुलाई को आएंगे, और 26 जुलाई को फेडरल रिजर्व बैंक की बैठक करेगा। और चूँकि पहले से ही कयास लगाया जा रहा है कि इसमें ब्याज रेट हाइक हो सकता है, तो ये जो 26 जुलाई है इस समय का ये जो बैठक होगी बहुत महत्वपूर्ण होगी और ये जो महंगाई की दर बढ़ेगी या घटेगी ये 12 जुलाई को मालूम चलेगा और यही निर्धारित करेगा कि 26 जुलाई को जो फेडरल रिजर्व बैंक की बैठक होने वाली है उसमें क्या डिसीजन लिया जाएगा। तो हम आगे बढ़ें तो इसमें ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा का सामने आने की संभावना है और अमेरिकी महंगाई दर के आंकड़ों के साथ साथ निवेशकों की नज़र कुछ दूसरी चीज़ों पर भी रहेंगी, जिसमें अमेरिकी जॉब डेटा भी इसी 4-5 दिनों में आने वाले हैं और साथ ही साथ चीन की मंथली इन्फ्लेशन डेटा भी इसी
पाँच दिनों में आएगा। यूरोप और जापान का इन्फ्लेशन प्रोडक्शन के नंबर भी इसी पाँच दिनों में जारी होने वाले हैं। इसके साथ साथ शेयर बाजार की रैली की एक अहम वजह विदेशी निवेशकों में तेजी है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले हफ्तों में विदेशी निवेशक बढ़ने से जो निफ्टी जो पोजीशन है वो 20,000 तक बढ़ सकता है। अर्थात ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो FPI का डेटा है विदेशी निवेशक जो हैं वो इसमें बढ़ सकते हैं तथा 20,000 तक निफ्टी टच कर सकता है। यहीं पर अगर हम FPI की बात करें तो घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती के चलते विदेशी पोर्टफोलियो में निवेशकों ने शुद्ध रूप से लगभग 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है, जिसमें इस महीने सात जुलाई तक उन्होंने शेयरों में 21,944 करोड़ रुपए डाले हैं। वहीं मार्च से पहले विदेशी निवेशकों ने जनवरी फरवरी में कुल मिलाकर 34,626 करोड़ रुपए निकाले थे। तो 34,000 निकाले थे जो जनवरी और फरवरी में निकाले थे, ये पिछले 3 से 4 दिनों में 3 जुलाई से लेके और जो अभी जो पिछले 4-5 दिन बीते हैं उसमें 21,944 करोड़ रुपए इन्होंने डाल दिया है। 3 जुलाई को FII ने लगभग 2,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि DII ने लगभग 350 करोड़ रुपए मार्केट से निकाले थे। वहीं 4 जुलाई की अगर हम बात करें तो 4 जुलाई को जहाँ FII ने 2,134 करोड़ रुपये डाले थे, वहीं DII ने लगभग 800 करोड़ रुपए निकाले थे। वहीं अगर हम 5 जुलाई की बात करें तो 5 जुलाई को जहां एक तरफ जहां FII ने 1600 करोड़ रुपए डाले हैं, वहीं DII 439 करोड़ निकाले हैं। वहीं अगर हम 6 जुलाई की बात करें तो 6 जुलाई को एक तरफ जहां FII लगभग 2600 करोड़ रुपए डाले हैं मार्केट में, भारत इंडियन शेयर मार्केट में, तो वहीं DII की बिकवाली हावी है और उन्होंने 2300 करोड़ रुपए लगभग निकाले हैं। अगर हम अंतिम ट्रेड दिन जो पिछला दिन बीता है 7 जुलाई को जब ट्रेडिंग हुई थी उस दिन की बात करें तो उस दिन एक तरफ जहां FII लगभग 790 करोड़ रुपए मार्केट में डाले थे, वहीं DII ने 2964 करोड़ रुपये मार्केट से निकाले थे। अर्थात कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि एक तरफ जहाँ FII पूरे फुल अपना पैसा डाल रहे हैं, वहीं DII बिकवाली पे लगे हुए हैं। अर्थात FII वर्सेस DII का ये मामला चल रहा है, जिसमें FII जीतते हुए नज़र आ रहे हैं और मार्केट को ऊपर भगाए हुए हैं। अगर जुलाई के पहले हफ्ते की बात करें तो जुलाई के पहले हफ्ते में जहां FII ने लगभग 9,100 करोड़ रुपये की नेट खरीदारी की है, वहीं पहले 2 महीनों में 55,000 करोड़ रुपये की खरीदारी की थी। वहीं दूसरी तरफ डोमेस्टिक निवेशकों ने लगभग 6,900 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली की है। अर्थात ये जो अभी हमने आपको बताया कि एक तरफ जहां DII पूरी बिकवाली कर रहे हैं, वहीं FII खरीदारी कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं डेटा, 9,100 करोड़ रुपए की पूरी खरीदारी की गई है FII द्वारा और 6,900 करोड़ रुपए की पूरी बिकवाली की गई है DII यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो हैं उनके द्वारा। टेक्निकल व्यू की बात करें, आने वाले सप्ताह में निफ्टी का जो अहम सपोर्ट लेवल है 19,200 पर नज़र आ रहा है। अगर निफ्टी 19,000 के लेवल तक आता है तो बाज़ार में बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। वहीं अगर ऊपर की तरफ निफ्टी अगला रेजिस्टेंस लेवल 19,400 और 19,500 है, अगर ये तोड़ता है तो आगे 19,600 के लेवल तक जा सकता है। अर्थात 19,000 जो कि सबसे बड़ा एक रेसिस्टेंट निकल के आ रहा है और जो अगला रेसिस्टेंट सबसे बड़ा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 19,400। अगर ये दोनों टूटता है तो अगर 19,000 टूटता है तो ये बिकवाली हावी हो जाएगी और 19,400 अगर और 500 टूटता है तो ये इस पे तेज़ी हावी हो जाएगी, ये इस टेक्निकल व्यू के अनुसार, क्योंकि इस समय मार्केट अपने ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है और ये जो मौसम चल रहा है ये IPO के लिए एक सदाबहार एवरग्रीन मौसम चल रहा है और यहाँ पर धड़ाधड़ IPO आ रहा है। तो ये इसमें देखें तो जो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है 500 करोड़ का राइट इशू जारी करने जा रहा है 22 जुलाई को। इसके शेयरों का प्राइस जो बैंड होगा वो 23 से 25 के आसपास रहेगा। कंपनी के शेयर 14 जुलाई को बंद हो रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और सोल्यूशन मुहैया कराने वाली कंपनी सेंट TLM के शेयरों की लिस्टिंग 10 जुलाई को होने वाली है, यानी सोमवार को जो बाजार खुलेगा तो इसमें इसकी सेंट TLM लिस्ट कंपनी लिस्ट होगी। इसके साथ ही साथ
कोलकाता गोल्ड रिटेल कंपनी सेनको गोल्ड के शेयर भी 14 जुलाई को लिस्ट होंगे। इसी सप्ताह में लास्ट दिन जब कारोबार होगा शुक्रवार को, तो उस दिन ये लिस्ट होंगे। इसके अलावा एसएमई सेगमेंट में काका इंडस्ट्री अहोसलर टेक का इश्यू 10 जुलाई को खुलेगा। सर्विस केयर का इश्यू 14 जुलाई को खुलने वाला है। ड्रोन डेस्टिनेशन की लिस्टिंग 13 जुलाई को होगी और एक्सेलरेशन इंडिया 11 जुलाई को लिस्ट होगा। और इसी के साथ साथ अगर अगली बात करें तो अल्फा लॉजिक इंडस्ट्री, सेनोपेटिक टेक्नोलॉजी, त्रिध्या टेक और ग्लोबल पेट इंडस्ट्री के भी इशू इसी सप्ताह खुलने वाले हैं। कुल मिलाकर के जाते जाते बात किया जाए तो इसमें दो तीन जो ये चीज़ें बताई गई हैं उसको ध्यान में रखा जाए तो अगर ये सब चीज़ें अगर घटित होती हैं तो शेयर मार्केट देखने में ये रहेगा कि तेज़ी, अगर ये पॉजिटिव सब चीज़ें रहती हैं तो ये शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अगर निगेटिव चीज़ें रहती हैं तो ये शेयर मार्केट में बिगवाली हावी रहेगी। तो ये रहा दोस्तों आज का न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।